पढ़ने वाले हैं क्रीप ऑफ बेल्ट, बेल्ट की क्रीप कैसे निकालते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होता है। व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द स्लैक साइड टू टाइट साइड, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द बेल्ट एक्सटेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द टाइट साइड टू स्लैक साइड ड्यू टू दीज चेंजेस ऑफ लेंथ, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सर्फेसेस, द रिलेटिव मोशन इज टर्म्ड एज क्रीप। क्या होता है, जब बेल्ट पास करता है सिलेक्ट साइड से टाइट साइड की तरफ, दो साइड होती है बेल्ट ड्राइव में, एक ड्राइवर होता है और एक होता है ड्रिवन होता है। इसमें ऊपर वाला जो होता है वो सिलेक्ट साइड होता है और ये वाला जो होता है वो टाइट होता है। इसको हम सिलेक्ट साइड बोलते हैं, ये सिलेक्ट साइड में आता है, ये जो होता है ये टाइट साइड में रहता है। जब बेल्ट पास होता है फ्रॉम सिलेक्ट साइड टू टाइट साइड की तरफ, तो इसमें बेल्ट में कुछ एक्सटेंड होता है। इसके बाद जब बेल्ट टाइट साइड से सिलेक्ट साइड की तरफ आता है, तो इसमें कुछ भी लेंथ में चेंजेस आता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, इसी रिलेटिव मोशन को ही हम क्रीप बोलते हैं। क्रीप ऑफ बेल्ट का जो फार्मूला होता है वो इस टाइप से होता है। क्रीप ऑफ बेल्ट कंसिडर क्रीप के लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है N2/N1 इक्वल टू D1/D2 इंटू E+√σ2/E+√σ1। ये फार्मूला होता है क्रीप के लिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्रीप के लिए। N2/N1 इक्वल टू D1/D2 इंटू E+√σ2/E+√σ1, जहाँ पर सिग्मा वन एंड सिग्मा टू होता है स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑन द टाइट एंड सिलेक्ट साइड रेस्पेक्टिवली, एंड ई होता है यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बेल्ट। बेल्ट का जो मटेरियल होता है उसका यंग्स मॉडुलस होता है ई। क्रीप ऑफ बेल्ट के लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पुल्ली 1 मीटर डायमीटर रनिंग एट 200 RPM टू अ पुल्ली 2.25 मीटर डायमीटर इट मीन्स ऑफ अ बेल्ट। फाइंड द स्पीड लॉस्ट बाय द ड्रिवन पुल्ली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप इफ द स्ट्रेस ऑन टाइट एंड सिलेक्ट साइड ऑफ द बेल्ट इज 1.4 MPa एंड 0.5 MPa रेस्पेक्टिवली। द यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बेल्ट इज 100 MPa। क्वेश्चन दिया हुआ है क्रीप के लिए, एक पावर ट्रांसमिट है पुल्ली का जो डायमीटर है 1 मीटर डायमीटर है, उसकी स्पीड 200 RPM है। सेकेंड जो पुल्ली है 2.25 मीटर डायमीटर है, और इसके लिए स्पीड निकालना है हमको, और इसमें क्रीप साथ में दिया हो। इफ द स्ट्रेस ऑन द टाइट एंड सिलेक्ट साइड, जो स्ट्रेस दिया है वो 1.4 MPa और 0.5 MPa होता, और यंग से मॉडुलस में ई की वैल्यू 200 MPa होगी। सॉल्यूशन करने के बाद गिवन लिखेंगे इसमें, D1 = 1 मीटर, ये D1 है, N1 = 200 RPM ये स्पीड है, और D2 = 2.25 मीटर, और इसमें जो दिया हुआ हमारे पास सिग्मा वन हमारे पास दिया है 1.4 MPa, 1.4 × 10⁶ N/m², सिग्मा टू 0.5 MPa, 0.5 × 10⁶ N/m², MPa को N/m² में चेंज किया हुआ है। ये इक्वल टू 100 MPa, इसको N/m² में चेंज करेगा तो 100 × 10⁶ N/m² हो जाएगा। N2 निकालना है इसमें, फाइंड द स्पीड लॉस्ट, द स्पीड ऑफ द ड्रिवन पुल्ली। सबसे पहले नेगलेक्टिंग क्रीप, जब क्रीप ना दिया हो, क्रीप ना कंसिडर करना हो तब के लिए, तो वी नो दैट N2/N1 = D1/D2 होगा। जब क्रीप की चर्चा ना हो इसमें, तो N2/N1 = D1/D2 होगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो N2 = N1 × D1/D2, सबकी वैल्यू दी हुई है, N1 200, D1 1 दिया था और D2 2.25 दिया था। इसको जब सॉल्व किया है कैलसी से तो 88.9 RPM आ जाएगा नेगलेक्टिंग क्रीप पर सेकेंड पुल्ली की स्पीड। कंसिडरिंग क्रीप पर वी नो दैट N2/N1 = D1/D2 E+√σ2/E+√σ1, ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्रीप में तो N2 = N1 × D1/D2 E+√σ2/E+√σ1, जो N1 है वो हमने यहाँ पर ले आए मल्टीप्लाई में, वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, N1 200 × D1 1 और D2 2.25 × E की वैल्यू 100 × 10⁶ σ2 की हो जाएगी 0.5 × 10⁶ अपॉन σ1 आ जाएगा 1.4 × 10⁶ हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 88.7 आरपीएम। इसके बाद स्पीड लॉस्ट बाय ड्रवन पुल्ली ड्यू टू क्रीप, स्पीड लॉस्ट क्या होगी, जो बिना क्रीप वाला है वो वाला स्पीड माइनस जो क्रीप वाला है वो वाला स्पीड को माइनस कर देंगे, तो 88.9 माइनस 88.7 तो आ जाएगा 0.2 आरपीएम स्पीड लॉस्ट इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमको क्रीप बेल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है।